गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 8.3 में। 8.3 में आप क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, प्रिंसिपल के लिए हम पी का यूज करेंगे। प्रिंसिपल रहेगा उसके लिए पी का यूज करेंगे, रेट के लिए आर, टाइम के लिए टी का यूज करेंगे। ये तीन बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सी ए, शॉर्ट में इसको क्या बोल रहे हैं, सी ए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टी। और अगर इसका और सॉल्यूशन आगे करें तो पी इनटू 100 प्लस आर बाय 100 पावर टी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो कंपाउंड अमाउंट के लिए, कंपाउंड अमाउंट के लिए। और जब आपको सी आई फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई मीन्स क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सी ए का, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर देंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे कौन सा आ गया, सी ए है, तो यहाँ से सी ए आपके पास आ जाएगा। तो माइनस क्या करेंगे, इसमें से प्रिंसिपल को हम लेस कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज में लेना है, और कंपाउंड अमाउंट के लिए इस फॉर्मूले को यूज में लेना है। और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैलकुलेट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है क्वेश्चन में। फर्स्ट है ए, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ए वाला है रुपीज 10,800 फोर थ्री इयर्स 8.12% पर एनम कंपाउंड एनुअली, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाए, एनुअली आ जाए, क्वेश्चन में क्या है, एनुअली आ जाए, तो आपको यहां पर रेट एंड टाइम में, देखो रेट एंड टाइम इज नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं करें, नो चेंज, जो क्वेश्चन में है वही हम इसमें काम में लेंगे, रेट और टाइम। और जब यहाँ क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली आ जाए, क्वेश्चन में हाफ ईयरली आ जाए आपके पास, तो रेट को तो क्या करना है आपको, हाफ, तो रेट इज हाफ, यानी हाफ मींस यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी रेट है उसको। और टाइम इज डबल, यानी कि टाइम में क्या चेंजिंग करेंगे, टाइम इज डबल, टाइम को डबल कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना, जैसे मान लो कि इसमें रेट 12% है और आपके पास क्या आ गया, हाफ ईयरली आ गया, 12% है और आपके पास क्या है, गिवन में हाफ ईयरली है, इस प्रकार से कंपाउंडेड हाफ ईयरली है आगे, तो 12% का हाफ कर दो, तो 12% का हाफ कितना हो जाएगा, 6%, यानी 12 इंटू 1/2 से इंटू कर दो तो 6% आ जाएगा इसका। और नेक्स्ट है टाइम इज डबल, जैसे मान लो टाइम आपके पास 1 ईयर है, तो इसको डबल करेंगे तो 2 से इंटू करते कितना आ जाएगा, 2.5 ईयर, यानी कि जो 1 ईयर है तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हो जाएंगे, 6 मंथ, यानी 6 मंथ इज कॉल्ड हाफ ईयर। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए चलना है इसमें। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर प्रिंसिपल है हमारे पास 10,800, प्रिंसिपल इक्वेशन में 10,800, सॉल्यूशन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 10,800, टाइम है 3 ईयर और रेट है 12/1/2%, तो मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 2 = 24 में 1 और ऐड कर दो 25/2। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 12.5%, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में है तो पॉइंट का यूज कर कीजिए आप, सिंपल रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट यहां से फाइंड क्या करना हमारे, इसके अंदर
यानी कि आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और अमाउंट भी। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट, प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस आर बाय 100 पावर टी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। प्रिंसिपल है हमारे पास 10,800 इंटू 100 प्लस रेट। अब रेट कितनी है यहाँ? 12.5। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो कंपाउंड एनुअली है, तो यहाँ पर हम कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर आपके पास क्या रहता है, कंपाउंड हाफ ईयरली रहता, तो हम इसको चेंज करते। तो 100 प्लस रेट, तो रेट 12.5 डिवाइड बाई 100 पावर 3। अब इनका समूह ले लो, 100 प्लस 12.5, 100, 12.5 इंटू 10,800 इंटू 100, 12.5 इंटू, देखो इसका थ्री टाइम, 10,800 इंटू, इनका समूह किया 100, 12.5 बाई 100 क्यूब। अब क्यूब है तो हम क्या करेंगे, इसका थ्री टाइम एक्सपेंडेड फॉर्म में लेंगे इसको। तो 10,800 इंटू 100, 12.5 बाई 100, 100, 12.5 बाई 100, 100, 12.5 बाई 100। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। अब इसमें जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट है थोड़ी, तो कैलकुलेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो इसकी कैलकुलेशन है टफ है थोड़ी, तो कैलकुलेशन का ध्यान से चलना है। कैलकुलेशन में देखो, कैलकुलेशन में 2 से 2 जीरो को कट कर दिया, इनका इंटू कर लो, इसका इंटू करते हैं, स्क्वायर इसका कितना होगा, इसका स्क्वायर लाते हैं निकाल के, यानी 5 5 25, 2 5 2 10 प्लस 2 12 है 1 6 5, इंटू करेंगे 2 से तो 0 5 2 2, फिर 1 से 1 से इंटू होगा तो ये आ जाएगा 5 2 1 1, अगेन 1 से 5 2 1 1, इनका समूह 5 2 10 16 10 14 प्लस 1 15 5 6 2 1, यानी ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई। अब इसको नेक्स्ट किससे और इंटू करेंगे, 11.25 से, सही लिखे डिजिट यहां आप चेक कर सकते हो, फिर इसको 11.25 से इंटू करें, 5 5 जै 25, 2 5 2 जै 10 प्लस 2 12 है 30 31 28 32, 5 2 जै 10 प्लस 3 13 और 6 6 3 2 8 1 2 5। अब नेक्स्ट इसको 2 से इंटू करेंगे, 5 2 जै 10, 2 2 जै 4 प्लस 1 5, 6 2 जै 12 है 5 2 जै 10 11, 6 2 जै 12 है 13, 6 से हो गया, 2 2 जै 4 प्लस 1 5 और 2 2 1 जै 2, इंटू करेंगे 1 से तो 5 2 6 5 6 2 1। नेक्स्ट इसको इंटू करना है 1 से तो 5 2 6 5 6 2 1, इनका एडिंग कर लो, 5 2 10 1 11 8 4 12 है प्लस 5 17 प्लस 1 18, 6 14, 6 प्लस 4 10 11 12 है 1 17 18, 5 5 10 12 22 प्लस 1 23, देखो 6 प्लस 6 12 है प्लस 10 22, 1 के लिए इसकी 23, 6 4 12 है, 6 4 10 प्लस 2 12 है 4 1, 14 23 8 2 8 1 2 5 14 23 8 2 8 1 2 5। ये तो था यहाँ तक का मल्टीप्लेक्स। अब लास्ट इसको कितने से और इंटू करना है, 108 से और इंटू करना है, 108। ये डिफिकल्ट है, इसका जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट रहेगा इसके अंदर, तो कैलकुलेशन को एकदम ही ध्यान से आपको करना है, केयरफुली।
5 जा 40, 4 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी 8 1 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 8 8 जा 64 प्लस 65 1 के 6 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 2 कैरी 8 8 जा 64 प्लस 2 66, 6 कैरी 8 3 जा 24 प्लस 6 30, 3 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 8 4 जा 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 3 कैरी 11। तो फर्स्ट लाइन का आया सम ऑफ 11 390625। इसको जीरो से इंटू करेंगे, ये डिजिट आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसको वन से इंटू करेंगे तो 5 2 1 8 2 8 3 2 4 1। इनका सम ऑफ करते हैं 0 0 5 7 3 14 2 2 प्लस 1 3 सॉरी 9 8 17 7 3 5 1। यानी इनका देखो मल्टीप्लेक्सर हमारे पास कितना आ गया 15 3 7 3 4 3 7 5 0। इन सब का मल्टीप्लेक्स है। सही लिख रहा हूं मैं 3 4 3 7 5 0। अब 100 को 100 से इंटू करेंगे तो 10,000। अब देखो इन डिजिट को आप कट मत कीजिए, कट करोगे तो हार्ड रहेगा, इसलिए सिंपल लगे 110 रहने चाहिए, तो उससे हम डिवाइड करना इजीली रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कट नहीं किया। अब देखो पॉइंट देखो 1 2 3 डिजिट आफ्टर है तो 1 2 3 डिजिट आफ्टर। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से 40 है तो पॉइंट को 4 डिजिट आफ्टर और ले आओ 1 2 3 4। यानी यहाँ पर आ जाएगा 15,377.77.343 343 7 5। ये इसका आंसर आएगा किसका, अमाउंट का। और इसको देखो हम जो अमाउंट है इसको पॉइंट के आफ्टर टू डिजिट यहाँ राइट करते हैं तो 15,377.34 रुपीज ये हम लेंगे यहाँ। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना जाएगा 15,377। जो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक 100% होती है, बच्चों से हो सकती है, हमारे से भी हो सकती है, इतनी हाईली कैलकुलेशन नहीं, इसलिए कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या लेंगे, सीए माइनस प्रिंसिपल। कि सीए में से प्रिंसिपल को लेस कर लेंगे, फॉर्मूला ही तो यहाँ माइनस पी लगता है, बाकी तो ये सेम चलता है। तो यह सी ए कितना आपके पास कंपाउंड 15,377 माइनस 0.34 माइनस करना इसमें से 10,800 यानी 15,377.34 10 इसको लेस कर दो 3 4 7 7 6 8 5 5 या 4। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका यानी 4,577.33। इसका आंसर आप चेक कर सकते हो कितना आ रहा है, आंसर आंसर इसका कितना आ रहा है 8.3 में है। सही आ रहा है आंसर आपके पास, तो आंसर आ गया रुपीज 4,577.3। ये है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और ये अमाउंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो बड़ी ही केयरफुली से करनी है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आपको सेल्फ करके देखना है, सेकंड क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो, बुक नहीं है तो सॉरी सेकंड भी बताना पड़ेगा इसका, सेकंड में भी कुछ डिफरेंट है। चलो मैं बता के चल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन इसका। और इस वीडियो में ओनली 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, बी वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, बी वाला क्वेश्चन है
रुपीज 18,004, टू हाफ इयर्स 8-10% पर एनम, 8-10% पर एनम है कंपाउंड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना, देखना यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है तो आपको जो रेट है और जो टाइम है, रेट है और टाइम है, रेट और टाइम में हम यहाँ कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये आपको यहाँ ध्यान रखते हुए चल रहा है, रेट एंड टाइम में नो चेंजिंग। तो देखो यहाँ से गिवन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000, टाइम इज इक्वल टू टू राइट 1/2 ईयर्स। अब टाइम ही आपके किस में, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही रहने दो। रेट है आपके पास 10%, रेट है 10%। फर्स्ट में हम फाइंड करते हैं कंपाउंड अमाउंट, फॉर्मूला है प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस आर, रेट डिवाइड बाय 100 पावर टी। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है हमारे पास 18,000 इंटू 100 प्लस रेट 10/100 पावर टू राइट 1/2 एंड टू हाफ। अब इनका एडिंग करेंगे तो 110/100 टू राइट 1/2 इंटू 18,000। अब यहां से आपको ध्यान रखना, देखो टू हाफ ईयर है, अब यहां क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे टू हाफ ईयर है, टू हाफ है तो आपको देखो टू टाइम तो 110 110 आपको लेना है, टू टाइम तो कितना लेंगे 110 110, तो 110/100 110/100 इनटू में, फिर देखो यहाँ पे हाफ ईयर आ रहा है तो इसका हाफ कर दो, रेट का हाफ, 10 का हाफ कितना आएगा 5, 5 को 100 में हम रेट कर दो तो 105/100। इस प्रकार से हम चेंजिंग करेंगे, यहाँ यहाँ पे समझ चुके हो आप, यानी एक बार और यहाँ से देख लो, टू टाइम है कंप्लीट है टू, तो टू टाइम 100 100 यानी 110 110। एंड नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ से हाफ है, हाफ है तो 10 का हाफ करो आप, तो 10 का हाफ कितना होगा, 10 का हाफ 5, 5 को 100 में ऐड कर दो तो 105। अब इसको कट कर लो आप, 30 2 और 30 ऊपर 1 और 2 0, ये 2 0। अब इसका इंटू कर लो, यानी 18 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 105, 11 को इससे इंटू कर लो, 105 से 11 को 11 से इंटू करो 121, फिर इसको 105 से इंटू कर लो। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल है, 5 × 5 10 6। अब इसको इंटू करना 0 से तो 000, 1 से इंटू करना 121, 50721 याद है। अब इसको इंटू करना है 18 से, 18 से इंटू कर लो, 18 5 जा 90, 18 7 जा 18 को 7 से इंटू करेंगे तो 126 से होते हैं, 18 7 जा 126, कैरी 12 है, 18 2 जा 36, 36 में 12 और ऐड कर दो 48, 4 18 हो जाए 18 प्लस 4, 18 में 4 और ऐड कर दो 22, यानी कि इसको देख सकते हो आप आंसर, इसको डिवाइड बाय 10 से है, यानी इस कैलकुलेशन का आया 22 8 6 9 0 एंड डिवाइड बाय, इसको डिवाइड भी करना था 10 से, 10 डिवाइड बाय 10, एक मिनट कैलकुलेशन को हटा देता हूं। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 यहां से कट हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा कम अमाउंट 22,869। इसका आप चेक कर सकते हो आंसर, ये आ रहा है क्या आपके पास, यही आ रहा है आंसर आपके पास। अब यहां से आपको क्या फाइंड करना है, फिर कंपाउंड
सी आई, तो सी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड अमाउंट हमारे पास कितना है, 22,869 माइनस प्रिंसिपल है 18,000, 18,000 लेस करें इसमें से, नाइन सिक्स एट फोर यह आ जाएगा 48, यानी 4,800 राइट आ रहा है, यही आपके आंसर शीट में रुपीज 4,869। और देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर माइनर मिस्टेक होना संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लेंथी रहती है इनमें, तो आपको इनका ध्यान रखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको हिंट्स देता हूँ, उसके हिसाब से आपको सेट करते हुए कैलकुलेशन सेल्फ करके देखनी है, कैलकुलेशन आप खुद को ही करके देखनी है उसकी, कैलकुलेशन सेल्फ करते हुए चलना है आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली आ रहा है, बस उसमें थोड़ा सा रहता है, हाफ ईयरली है तो लास्ट तक सेट कर देता हूं क्वेश्चन को, सी सी वाला एफएसटी का, इसमें प्रिंसिपल है आपके पास 62,504, टाइम है आपके पास 1 right 1/2 ईयर हाफ ईयर, और रेट है इसमें 8% पर एनम, 8% पर एनम, और हाफ ईयरली है, कंपाउंड एडेड बाई हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है। अब देखो हाफ ईयरली है तो टाइम तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो टाइम यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास 2 right 1/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में चेंज करो तो 3/2, अब 3/2 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, हाफ ईयरली है तो 2 से इंटू कर दो, इक्वल टू 3 हाफ ईयर, ये क्या काम मिलेंगे 3 हाफ ईयर, और एक देखो रेट है आपके पास 8%, तो 8/2 इक्वल टू 4% काम में आपको ले। अब यहाँ सी ए फाइंड करना है, कंपाउंड अमाउंट तो प्रिंसिपल इंटू 100 + R/100 पावर टी, प्रिंसिपल इक्वल टू 62,500 इंटू, अब 100 प्लस रेट कौन सी काम में लेंगे, न्यू रेट जो चेंज करके लिए हमने, क्योंकि यहाँ क्या है हाफ ईयर लिए, तो चेंजिंग करके लो 4/100, पावर कितनी यूज में लेंगे 3 हाफ ईयर, 3 हाफ। अब आगे आप इसको सेट करते हुए इसके कैलकुलेशन आपको सेल्फ करके देखने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी और डी वाले क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं, हाफ ईयरली हाफ ईयरली, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं सी डी और ई, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं, बुक आप सभी के पास होगी, नहीं है तो आपको खरीदनी पड़ेगी बुक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो चुका है हमारे, इन क्वेश्चनों को आपको सेल्फ करते हुए चलना है।